फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। एक और टीन ड्रामा देखने की मैंने कोशिश करी, और मैंने कोशिश इसलिए करी क्योंकि पहला जो इससे पहले मैंने टीन ड्रामा देखा था वो उसकी तो वाट लग गई थी, बहुत ही बुरा निकला। इसके बाद मैंने देखी है अब ये बू बिच नामक सीरीज, जो मैंने ऑनेस्टली पहली बार ऐसी सीरीज होगी जो मैंने बहुत आगे आगे बढ़ा बढ़ा के देखी। हालांकि इसे सिर्फ 8 एपिसोड हैं और उन 8 एपिसोड के भी जो लेंथ है 25-25 मिनट की है, तो फटाफट निपटा सकते हो अगर आप इतना ज़्यादा डेस्परेट हो इस सुपर नेचुरल टीन ड्रामा को देखने के लिए। रोमांटिक ड्रामा भी बीच के अंदर है, फिर हाई स्कूल ड्रामा भी बीच के अंदर है। ऐसा है जो मतलब आपने 90% सब कुछ देखा होगा और सिर्फ 10% अटेम्प्ट है कुछ नया लाने की। तो कहानी एरिका और गिया की है। इसके अंदर एरिका और गिया दोनों लूज़र हैं, और साथ ही साथ में आपको फिर से वही क्लीशे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस ऑन एवरी स्टूडेंट दिखाया जाएगा, जैसे वो इतने वेले हैं कि उनको लाइफ में कोई काम ही नहीं है। तो मुझे ये मेरे को बहुत अपसेट करती है चीज़ें कि आप जो नई जनरेशन है ना उसकी पिक्चर ऐसे दिखाते हो कि जैसे वो बिल्कुल ही गए गुजरे इरेस्पॉन्सिबल इमेच्योर इंसान हैं। ये तकलीफ़ देता है मेरे को, ऐसे हैं नहीं बिल्कुल भी। बट एनीवेज, जब वो मर जाती है तो वो फिर भी ज़िंदा है किसी वजह से, और ये ज़िंदा इस तरीके से नहीं है कि बॉडी भी पड़ी हुई है और उसके बावजूद एक और बॉडी चल रही है। तो थोड़ा अजीब सा है ये डाइजेस्ट करना कि ये ऐसे हो कैसे रहा है ये सुपर नेचुरल। बट कॉन्सेप्ट ये है कि जी एरिका के कुछ सपने थे जो अधूरे रह गए, स्पेसिफिकली उसका हुकअप विद जेक। तो वो जब तक पूरे नहीं कर लेती, अपने लाइफ के पूरे लेसन्स नहीं ले लेती, तब तक वो ऊपर पहुंच नहीं सकती, होपफुली इन हेवन। और ये सब के बीच में आपको बहुत सारा मॉडर्न डे का लिंगोस, गर्ली स्टफ, और वही जैसे मैंने आपको बताया इमेच्योर और इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर उनका दिखेगा, और आप बोलोगे कि यार आज की जनरेशन ऐसी तो होती है नहीं। और बहुत ही जल्दी ये जो बिग प्लॉट है आपका 2nd एपिसोड में अनवील भी हो जाता है, और ये फिर सिर्फ एक टीन ड्रामा बन के रह जाता है जिसको एग्जैचुरेट करते जाते हैं और खींचते चले जाते हैं कि भाई स्कूल जो होता है वो सिर्फ फ़न के लिए होता है और एडिक्शन है जी, हमें तो सिर्फ इसी तरीके की चीज़ें दिखानी हुई, यहाँ पढ़ाई वढ़ाई तो होती नहीं है। ऊपर से सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हो गया है कि हर जो बंदा है वो सोशल मीडिया स्टार है। अब वो उसको सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है कि जी मेरे को कितने लाइक्स और शेयर्स मिल रहे हैं, और उसकी लाइफ में जीवन में कुछ है ही नहीं, बाकी सारा जीवन उसका झंड है। ठीक है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि है, बट एनीवेज। और ये जो प्रॉम नाइट्स और ये सब चीज़ें हैं इसको भी एग्जैचुरेट करके दिखाया जाता है कि इसमें सिर्फ हॉर्नी स्टफ ही होता है। बाकी आपको बहुत सारी चीज़ें ऑफेंसिव क्लीशे ग्लोरीफाइंग ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप, स्पेसिफिकली मुझे तो एरिका और जो गिया है उसके रिलेशनशिप भी जो हैं वो ऐसे ही फालतू से लग रहे थे। कभी एक दूसरे पे चिल्ला उठते हैं, कभी बहुत ही गर्ली मोहब्बत हो जाती है, जो स्लैंग्स इतने सारे यूज़ करें, इतने लिंगोज यूज़ करें, अब मतलब कभी कभी गूगल करके आपको देखना पड़ा, अरे इसका क्या मतलब था, इसका कहने का क्या है। तो यू विल लूज ट्रैक ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो बहुत सारी मैनिपुलेशन, डिसऑनेस्टी और गिल्ट ट्रिप के बाद आपको ऐसा लगेगा कि चलो कुछ राइटफुल कुछ क्लोजर हो जाएगा, और वो क्लोजर को भी आधा बीच में छोड़ दिया जाएगा, और आपको ऐसा लगेगा कि इसका सीजन 2 भी आएगा, और फिर इसी वजहों से मेरा जो मूवी शूवी स्कोर होगा वो होगा मे बी 3 और 4 out of 10। मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आई है मतलब ऐसा क्यों बना रहे हैं इस तरीके की सीरीज़ जिसके अंदर डेप्थ नहीं है, और जो हमारे आज की यंग जनरेशन है उसको बिल्कुल फालतूगिरी करते हुए क्यों दिखाते हैं, मुझे तो समझ में आता नहीं है। आपके पास इसका आंसर है तो बताओ यार चलो बाय बाय।